ये देखिए हमारे मछली का अंडा हो गया, तो ये अब हम देखते हैं हमने कैसे बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग आफियत खैर के साथ होंगे। आज हम मछली का अंडा बना रहे हैं, जिसको हमने वॉश करके अच्छे से इसको छानने के लिए आधा घंटा रख दिया था। और इसका हम कुछ मसाला ले रहे हैं, जिसमें हमने लहसुन मिर्चा और धनिया लिया है। और इसे हम बिना पानी डाले खुरदुरा पीसेंगे, आप चाहे कुटनी में पीसें चाहे मिक्सर में। हमारा कितना अच्छा हमारा पीस गया, और इसको हमने बिना पानी डाले पीसा है देखिए, क्योंकि अगर पानी डालेंगे तो ये आपका तेल में जाके छनछनाने लगेगा। और इसके ऊपर जो एक परत होती है ना, ये हम निकाल देंगे और इसको पूरा हाथों से मस लेंगे हम अच्छे से। ये देखिए ये जो निकला है इसको हम फेंक देंगे, और बाकी सब ये जो हमारा है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारा मसाला है वो पूरा हम डाल देंगे अच्छे से। ये देखिए हम इसमें हम मसाला डाल रहे हैं, और बिना पानी के इसको पीसा है हमने, क्योंकि आप थोड़ा भी पानी डालेंगे ना तो ये पूरा एकदम पूरा छनछनाएगा तेल में, इसलिए आप ये बात का ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा कलर के लिए बस, और कोई मसाला हमारा नहीं जाएगा। आप चाहे तो सिर्फ लहसुन मिर्चा का पेस्ट भी डाल सकते हैं, आपको धनिया नहीं पसंद हो तो। अब ये सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कांदा और थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या अंडे का फ्लेवर हमें नहीं आता है ज़्यादा, तो इसलिए हम इसको एकदम नेचुरली बना रहे हैं ताकि हमें अंडे का अच्छे से फ्लेवर मिले। ये देखिए हमने एक तवा रखा, उसके अंदर हमने अपना तेल डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम अपना अंडा फैलाते जाएंगे। ये देखिए इसमें शेक मिटाने के तब तक अंडा फैलाते जाइएगा, ये थोड़ा फूटता है तो थोड़ा आप संभाल के करिएगा चाकू से मदद से, दूर से चम्मच डाल के साइड हो जाइएगा। ये देखिए हमने इसको पलट दिया है, और दोनों तरफ से देखिए हमारा कितना अच्छा हो गया है ये देखिए। और जब आप ये बना के खाएंगे ना आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत ही अच्छा अंडे का पूरा फ्लेवर आता है। ये देखिए इसको हम थोड़ा साइड कर दे रहे ताकि तेल हमारा अच्छे से निखर जाए। ये देखिए हमने दूसरा घान डाला, अगर ये अंडा बहुत फूट रहा है ना तो आप गैस बंद करके ठंडे में डालिएगा ताकि अंडा ना फूटे, और फिर उसके बाद गैस चालू करके इसको पकने के लिए रख दीजिएगा। ये तेल नहीं सोखता है, इसलिए ये मैटर नहीं करता है कि आप गर्म पे डालें कि ठंडे पे। देखिए हमारे मछली के अंडे का फ्राई हो गया, तो आप लोग भी बनाएंगे मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा बना। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, चलिए अल्लाह हाफिज़। देखिए एक एक अंडा हमारा कितना अच्छे से बना है देखिए, और ऊपर से क्रिस्पी हुआ, अंदर से एकदम जूसी हुआ है।